में तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शंस होने वाली हैं। हाँ यार, काफी अरसा हो गया ना, कोई खास तब्दीलियां ही नहीं करवाई। मुझे तो लग रहा था कि मैं बहुत ही किसी पुराने घर में आ गई हूँ। वैसे मैं भी पुराने घर में रहती हूँ, लेकिन बुरा मत मानना, तुम्हारा घर तो एकदम खंडर दिखता है। देखो यार, अब जो भी है जैसा भी है तुम्हारे सामने है। वैसे तुम जो भी चाहो अपनी मर्जी की तब्दीलियां करवा सकती हो सोनिया, अम्मी कोई एतराज नहीं करेंगी। इससे अच्छा होता तुम ऐतराज का झूठ ही बोल देते। क्या मतलब? यही मतलब कि रेनोवेट कराना कोई आसान काम तो है नहीं, इतने पैसे लगते हैं। कितनी हाँ यार, ये तो है, सेविंग्स है तुम्हारे पास? कुछ ज्यादा नहीं है सोनिया। क्यों, हमने अच्छे खासे पैसे जमा किए थे। अच्छा, यार अम्मी जो हवालात से होके आई थी उसमें मेरा काफी सारा पैसा खर्च हो गया। ओ हाँ, वो तो मैं भूल गई। तो अब क्या करना है? जो है जैसा है कि बुनियाद पर कबूल करना होगा तुम्हें सोनिया। मुझसे तो नहीं होगा। क्या मतलब, तुम फिर से शादी करने से इनकार कर रही हो मुझसे? नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? तो फिर कहना क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे पास सेविंग्स नहीं है और मेरी बहन अब और इंतजार नहीं करेगी। तो आप क्या हल निकाले हमें इस बात का सोनिया? मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं जो घर पर लग सकती हैं। तो ठीक है ना फिर सोनिया, हल हो गया मसला। हाँ, लेकिन घर तुम्हारे नाम पर नहीं है, घर तुम्हारी अम्मी के नाम पर है और उसमें तुम्हारी बहनों का भी हिस्सा होगा। जाहिर है। फिर मैं ऐसे घर पे पैसे क्यों लगाऊं जिसके इतने हिस्सेदार हैं? तुम ऐसा करो, अपनी अम्मी को बोलो कि वो घर तुम्हारे नाम कर दें।